देख रहे हैं इंडार राजकुमार के साथ। इंडार की आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर, इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, अगर आपने इस कहानी के पहले 3 भाग नहीं देखे हैं तो देख लें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी के चौथे भाग की ओर। मैं अभी यही सोच रहा था कि कुएं में कैसे उतरूं कि अचानक से मुझे पीछे से बहुत जोर का धक्का लगा, जिस वजह से मैं उस कुएं में जा गिरा। गिरते ही कोई बड़ी नुकीली सी चीज मेरी एक आंख में घुस गई, जिस वजह से मेरी एक आंख फूट गई। पूरे हाथ में खूनी खून और दर्द ने तो मेरी रही सही हिम्मत भी खत्म कर दी थी, मगर मैं अभी भी होश में था। चोट तो मुझे बहुत लगी थी, मगर आंख के दर्द के सामने बाकी का दर्द पता ही नहीं चल रहा था कि इसी बीच मुझे कुछ सुनाई दिया, जैसे कि कुछ जोरों से धड़क रहा हो। जब मैंने किसी तरह अपने आसपास देखने की कोशिश की तो मुझे एक काला सा बॉक्स नजर आया, जिसमें से वो धड़कने की आवाज आ रही थी। जब उसे मैंने खोलकर देखने की कोशिश की तो पाया कि वो पूरी तरह से सील्ड है, तो उसे मैं खोल नहीं सकता था। लिहाजन अब मुझे ऐसे ही उस बॉक्स को पूरा उठाकर लेकर जाना होता। फिर मैंने कुएं की दीवारों पर देखा तो उस पर बाहर जाने के लिए सरिये वाली सीढ़ियां बनी थी, मगर फिर भी मेरा उस कुएं से बाहर निकलना बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि एक तो पहले से ही मुझे बहुत चोट आई थी, ऊपर से उस बॉक्स को साथ लेकर ऊपर चढ़ना बहुत ही मुश्किल था। मगर किसी तरह मैंने उस कुएं से बाहर निकलना शुरू किया, मगर निकलते वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि वो बॉक्स धीरे धीरे भारी हो रहा है। मगर मैं किसी तरह उस बॉक्स को लेकर बाहर निकला और कुएं से बाहर आ गया। जैसे तैसे करके मैं वहां से जाने लगा, मगर उस बॉक्स का वजन अब काफी ज्यादा बढ़ चुका था। अब मैं उसे अपने दोनों हाथों से भी नहीं उठा पा रहा था, ऊपर से मेरी फूटी आंख से खून भी बहे जा रहा था। आखिरकार मुझे उस बॉक्स को जमीन पर ही रखना पड़ा। जैसे ही मैंने उस बॉक्स को जमीन पर रखा कि बहुत सारे अजीब से साए मेरे चारों तरफ मंडराने लगे। हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई, जिस वजह से अब मुझे सांस लेने में भी काफी दिक्कत होने लगी। मैं समझ गया था कि इस बॉक्स को बिना लिए जाना मतलब कि अपनी जान छोड़ने की तरह होगा। जब मुझे लगा कि वो बॉक्स मैं नहीं उठा पाऊंगा तो मैंने उस बॉक्स को ढकेलना शुरू कर दिया, और जैसे ही मैंने उस बॉक्स को हाथ लगाया कि वो सारे साए एकदम से गायब हो गए और मैं धीरे धीरे उस बॉक्स को ढकेलता हुआ उसी जगह पहुंचा जहां उस लड़की ने मुझे छोड़ा था। मैं वहां पहुंचते पहुंचते लगभग बेहोश हो गया था, मेरी आंखें बंद होने लगी थी कि तभी वो लड़की मेरे कान के पास आकर बोली, उठो। उसके इतना बोलते ही मेरी आंखें खुली। मैंने बॉक्स की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये लो, मैंने तुम्हारा काम पूरा कर दिया। उस बॉक्स को देखने के बाद वो बोली, अभी काम पूरा नहीं हुआ है, तुम बॉक्स तो ले आए हो मगर मुझे बॉक्स नहीं बल्कि उसमें जो चीज है वो चाहिए, तुम उसे बाहर निकालो। मगर उस वक्त मैं कुछ बोलने तक की हालत में नहीं था। फिर उस लड़की ने मेरी आंख पर हाथ रखा और जब उसने अपना हाथ हटाया तो मैं वापस अपने घर में था, वो भी बिल्कुल ठीक ठाक। अपने आप को सही सलामत देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अभी अपनी उस आंख को देख ही रहा था जो कुछ देर पहले फूटी हुई थी कि तभी मेरा ध्यान धड़कने की आवाज पर गई। पीछे पलट कर देखा तो वही बॉक्स था जिसमें से वो धड़कने की आवाज आ रही थी। तो दोस्तों, उस बॉक्स को लाने के बाद भी उस लड़की ने ये क्यों कहा कि अभी काम पूरा नहीं हुआ है, और उस बॉक्स में ऐसा क्या था जो उस लड़की को चाहिए था, ये जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए इस कहानी की अगली कड़ी तक। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा इस कहानी के अगले भाग के साथ कल रात 8:15 बजे। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।